राम राम भाई सारयान है। अंकित बयापुरिया की ये लाइन है। अंकित बयापुरिया से मैं आपसे पूछूं तो आपने क्या सीखा? आपका तो पता नहीं, पर मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या सीखा है उनसे। पहला ये, सबसे पहला ये कि आपकी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। आप अपनी हेल्थ पे जितना काम कर सके उतना अच्छा है। दूसरा, सादगी। सादगी होना इंसान में बहुत ज़रूरी है। तीसरा, पेशेंस और परसिवरेंस रखिए, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी सरकमस्टांसेस हो। चौथा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये लास्ट नहीं है, स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। अंकित बयापुरिया की आप कोई भी वीडियो देखिए, उसमें वो लास्ट में शिवपुराण के दोहे पढ़ते हैं। तो स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल होना आपको अंदर से रिजनुवेट करता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप शिवपुराण पढ़े ना, तो शिवपुराण में एक खंड है काशी खंड, वो खंड ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। नमस्कार, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो ये जो मेरा लेक्चर है, ये होने वाला है RRTS के बारे में, मतलब नमो भारत ट्रेन, जो कि आज ही बिल्कुल मेरे घर के पास में साहिबाबाद के स्टेशन पे लॉन्च की है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसको हरी झंडी दिखाई है। तो RRTS क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसका नाम रखा गया है नमो भारत ट्रेन। ये हमारे इंडिया की पहली RRTS ट्रेन है, जो कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, दिल्ली से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से मेरठ। अभी सिर्फ इसका जो पहला प्रायोरिटाइज सेक्शन है वो लॉन्च हुआ है। कहाँ से? फ्रॉम साहिबाबाद टू दुहई डिपो। इस तरह की टोटल 8 RRTS बनाई जाएंगी हमारे देश में, सॉरी देश में नहीं, हमारे NCR में। तो NCR में इस तरह की 8 RRTS बनाई जाएंगी, जिसमें से ये पहली है और उसका पहला सेक्शन लॉन्च हुआ है। अब ये जो नमो भारत ट्रेन है, ये कंस्ट्रक्टेड कैसे हुई है? ये कंस्ट्रक्टेड हुई है, इसके जितने भी असेंबली हुई है, जितने भी कंपोनेंट बने हैं, ये हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी हमारे देश में बनी है, ठीक है? इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हमारे देश में हुआ है। अब जो ये नमो भारत ट्रेन है, इसमें जो फाइनेंस लगा है वो कहाँ से लगा है? इसका जो फाइनेंस लगा है वो अंडर स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत ये बनी है। इसमें क्या होता है कि सेंटर से पैसा लिया, स्टेट से पैसा लिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से लिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लिया, इन सब से पैसा इकट्ठा करके इसमें इन्वेस्ट किया गया है। अब सरकार ने ये क्यों किया है? सरकार का क्योंकि एक ही मुद्दा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, जो कि दिख भी रहा है, सरकार कर भी रही है। इससे पहले वंदे भारत, वंदे भारत के बाद अमृत भारत स्टेशन, और अब ये नमो भारत। तो इससे कहीं ना कहीं जो गति शक्ति प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, उसको भी बूस्ट मिलेगा। अब ये जो नमो भारत ट्रेन है, इसकी टोटल लेंथ है 82.15 किलोमीटर। ये जो दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ पे चलेगी, पहले कॉरिडोर पे ये जो चलेगी, इसकी लेंथ है इतनी। स्पीड जो है इसकी, डिज़ाइन स्पीड इसकी है 180 किलोमीटर पर आवर। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, RRTS के फ़ायदे क्या होंगे नमो भारत के? पहला फ़ायदा ये होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इससे जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी है NCR की, उसको बूस्ट मिलेगा। इससे होगा क्या, इससे एयर पॉल्यूशन, जो कि हर बार विंटर में आते ही बहुत ज़्यादा चर्चा में आने लगता है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी होगी एयर पॉल्यूशन में भी इससे। और क्या होगा, ये बूस्ट करेगा किसको? PM गति शक्ति प्रोग्राम को। लोगों को रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल मोबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और ये हाई स्पीड भी है, सेमी हाई स्पीड है और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेन है, और इंडिया की पहली RRTS है। और क्या रह गया इसमें जानने के लिए? लास्ट ये है कि ये जो ट्रिनिटी सरकार बना रही है, अमृत भारत स्टेशन की, वंदे भारत ट्रेन की और RRTS की, ये जो तीनों है, ट्रिनिटी है, ये कहीं ना कहीं इस डेकेड में हमारे जो रेलवे है उसको पूरा मॉडर्नाइज्ड और कम्प्लीटली मॉडर्नाइज कर देगा, ठीक है? ये पूरा हो गया नमो भारत ट्रेन के बारे में, जो कि PM मोदी ने आज ही लॉन्च की है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे कोई भी हो, UPSC में तो नहीं लगता कि आएगा, पर जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन है, SSC है, RO है,
तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे नोट डाउन है, जो बहुत ज़रूरी है वो रेड पेन से अंडरलाइन कर दी गई हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।